वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से टीम होंगे। मैच लेट्स गो। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने सोचा थोड़ा लाइट मोड पे पबजी खेले। आज दिखाता हूँ सबको कि रईस भी किसी से कम नहीं। ए रईस, जंग से पहले आपको क्या करनी चाहिए? अपने अम्मी के बात बता दे इन लोगों को। अरे मरना, मार डाल इसे, कोई बचना नहीं चाहिए, मारो इसे। प्लास्टिक वाला गंद अपने साथ रखा हुआ है आराम खोर ने, कोई बचना नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ राजा साहब, कोई बचकर नहीं जा सकता मुझसे। और मेरी अम्मी जान का करती थी कि जंग से पहले अपना नाड़ा ठीक से बांध कर जंग पे उतर। दरअसल मेरा तो यहाँ पैंट है, तो अपना बेल्ट को मुझे साफ पानी चाहिए, टाइट। कोई नहीं बचेगा मुझसे, पबजी का हीरो कौन है? अब इसको देख, साले को कैसे मारता हूँ उसे। ए साला, तू क्या एक्सपेंडेबल गेम खेल रहा है? कोई नहीं बचेगा अरे मुझसे। रईस, अरे अब तुमसे 4 दिन बड़ा हूँ। अरे वो डब्बों के पीछे जाकर छुप जा, यहाँ नहीं बाहर। अरे हाँ यही दरी, अब जो आया उसके उसे जाकर पीछे से मार टेक्निक से। हाँ हम तुमसे 4 दिन बड़ा हूँ, जो कहता हूँ वही कर, इसके पीछे से जा। हाँ अभी मारो उसे इसी तरह, अब दोबारा डब्बों के पीछे जा, यही यहाँ यही जगह। अरे बाथरूम में नहीं बैठे हो आप खोर? अरे आगे जा और मारो, कोई बचना नहीं चाहिए। कोई नहीं बचेगा मुझसे राजा साहब। साले पीछे से मारा, साला पुस्तिल। अब कोई नहीं बचेगा मुझसे, शर्म करो राजा साहब। आप मुझसे 4 दिन बड़े हो, आप उम्र के तो भूत मर गए। कोई नहीं बचेगा, और आप ऐसे हिचकिचा रहे जैसे हमारी रियल फाइट हो रही है। दोबारा पीछे से मारा, अब कोई नहीं बचेगा। एक बार में जाओ तुम्हारा गेम, अब तुमको नहीं समझाऊंगा भी। अरे नेकी का जमाना ही नहीं रहा। अरे हम क्या करूं? अरे हमने 20 बार से ऊपर बोला कि चारों तरफ ध्यान से खेल और मार, कोई बचना नहीं चाहिए। अरे तूने मैं तो बेदखल कर दिया गेम से। अरे हम वैसे हिचकिचाता हूँ, हमारा जुबान ऐसा हूँ, हम क्या करूं रे राजा साहब। नहीं बचेगा कोई भी मुझसे राजा साहब, मैं तो आपके साथ मजाक ही किया। आपने कोयला फिल्म में मेरे मुंह में कोयला डाला, अब आप खुद कोयला बन गए। एवरी एक्शन इज आ रिएक्शन, नहीं बचेगा मुझसे। मार दिया साले ने। अरे रईस, अरे वो बात की बात है, कुम करो, दफा करो उनको, हमको नहीं चाहिए वो बात की बात है। अरे अभी कोई बचना नहीं चाहिए, अरे मारो उसे, इसके कुदरती सुराख से जुगनू निकाल, मारो उसे। हाँ इसी तरह। राजा साहब अब दिखाता हूँ अपना जलवा, कोई नहीं बचेगा मुझसे। वैसे राजा साहब गेम खेलने का मजा ही गोरी के साथ आ गई। तू मुझे मारने चला था, खुद टपक गया साला। तू मुझे मारेगा साला? दूध बेचने वाले भी पबजी खेल रहे हैं आजकल। कोई तंदूर वाला है, कोई क्या है, सब खेल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा थोड़ा लाइट मोड पे पबजी खेले, इनका निशाना देखो, पुलिस वालों की तरह इनको कोई निशाना ही नहीं, मुझे मार दिया साले ने। अरे एक तो ये दूध बेचने वाले आपको मार रहे हैं, अरे तू पबजी खा खेलेगा? अरे और गोरी को गुम करो। अरे ये लैला मजनू की बातें छोड़, मारो उसे। अरे तू अपना गेम की फोकस दे। अरे 20 बार से ऊपर कह चुका हूँ मैं, अरे मैं अभी तक गया हूँ, ये मेरा दूसरी जन्म है, अब क्या करूँ? अरे टेक्निक से मार, टेक्निक से, दाएं बाएं देख कर मार, आपका या ध्यान तो सिर्फ सीधा मारो उसे। मार दिया आराम खोर ने। राजा साहब गोरी तो मेरी जान है, लेकिन मैं भी तो उनको तोड़ी पत्थर से मार रहा हूँ, ये लोग मरते नहीं। अब देखो ताऊ साले को, अभी सर पे मारा इस साले का मैंने, लेकिन मरते नहीं, पता नहीं मौलवियों से तावीज लेते हैं पता नहीं क्या। अब कोई नहीं बचेगा। और मेरी अम्मी जान का करती थी कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धंधा करते करते अब मैंने सोचा कि थोड़ा इन सालों को मजा चकाऊं। अरे अम्मी जान की बातें छोड़ो, अम्मी जान की बातें सुन सुन कर मेरे कान पक गए। अरे इसी तरह शेर की तरह मार, हाँ इसी तरह छुप छुप कर,
कोई नहीं बचेगा। अरे डब्बों के पीछे चुप जा, डब्बों के पीछे। हाँ इसी तरह, अब शेर की तरह निकल मार। अरे जैसे फिल्मों फिलन को मारता हीरो फिल्मों में, इसी तरह मार रहे हो। तू भी मर गया शाराम खोर। राजा साहब वैसे मार तो दिया मुझे, लेकिन मैंने भी 14 किल्स किए। अरे 14 किल तो मैं पिस्तौल के साथ करूंगा आपके लिए। मारो उसे। अरे चुप रहे पीछे। हाँ मार इसी तरह। हाँ मार दिया आपको। राजा साहब अब हमारी लास्ट जंग है, हमारी किल्स 39 और उनकी 26। अब जीत तो पक्की हमारी है। मारेगा मुझे तू? मार दिया साले ने। जीत हमारी हो गई।